किया जा रहा है। आजकल डिजिटल दौर है, फिजिकल कैलेंडर तकरीबन उसमें कैलेंडर भी रहता है, सब कुछ रहता है, फिर भी इस ट्रस्ट हिस्ट्री में पहले भी मंथली मैगजीन पैम्फलेट्स ये जारी होते रहे, हम कैलेंडर जारी करें। पहले तो हमें ताफजात थे कि कैलेंडर जारी करना चाहिए कि नहीं, तो ये कैलेंडर ही नहीं किया है कि जो लोग यहाँ आते रहे देखते रहे वो तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ट्राइबल तबका के या सिविल सोसाइटी के, तो ये चैनल होगा, सभी क्लैप करेंगे चीफ गेस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। अब मीडिया के लोग, यूथ विंग के लोग और जितने भी हमारे पैंचेस सरपंचेस और मौजिज आज इस हमारे इस फंक्शन में मौजूद हैं, मैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 30 साल से गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गुजर बकरवालों की एजुकेशन की तालीम के बेहतरी के लिए काम कर रहा है, और हमेशा हमारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है, उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, और ख़ासकर मैं आज इस मौके पे बाबाए कौम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी सेहत ख़राब होने के बावजूद, नासाज होने के बावजूद यहाँ टाइम निकाला और हमारे बीच में आए। तो गुजर देसी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो जदोजहद है, जो इसकी स्ट्रगल है, उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज का हमारे लिए कि यह तारीखी दिन है कि पहली दफ़ा जबकि गवर्नमेंट ने और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपना जो एनुअल कैलेंडर है वो निकालना बंद कर दिया, लेकिन बाबा साहब ने हमें ये कहा कि, और इनकी लगातार कोशिशों की वजह से आप यकीन करें कि पिछले एक महीने से इन्होंने हमें दिन भर रात सोने नहीं दिया कि जब तक ये कैलेंडर रिलीज ना हो जाए। और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने और दूसरे हमारे जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने दिलचस्पी लेके बहुत ही खूबसूरत एनुअल कैलेंडर जो है वो छपा है, वो आपके सामने है। हम चाहते हैं, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट चाहता है कि जितने अभी तक हमने ये कैलेंडर छपवाए हैं अगर इसमें से कम हो जाते हैं तो डॉक्टर मसूद साहब ने हमें कहा कि और छपवा के हम कोशिश करेंगे कि हर घर में ये कैलेंडर पहुँचे। और इसमें कैलेंडर ये किस्म का, ये हमारा एक मिशन है, एक पैम्फलेट है गुजर ट्रस्ट की तरफ से कि जो लोगों के घर में जाएगा और लोगों के घरों में एक हमारी एक याददाश्त रहेगी कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो क्या काम कर रहा है। मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब का खासकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरी हैं यहाँ बोर्ड के मुख्तारम साहब भी, कि डॉक्टर साहब जब से इस महकमे के इन्होंने चार्ज संभाला है तब से लेके एक अनथक कोशिश कर रहे हैं पूरी यूनियन टेरिटरी में, ताकि हमारी जो एक बहुत बड़ा तबका गुजर बकरवालों का है इनके हालात जो हैं, इनकी तरक्की जो है उसको संभाला जाए, उनकी तरक्की करवाने में ये हमेशा पेश पेश रहे हैं। तो चंद दिन पहले हम लोग दिल्ली में थे किसी सिलसिले में, तो वहाँ जिस डिपार्टमेंट भी हम गए, खासकर हम जब ट्राइबल मिनिस्टर से मिले और ट्राइबल सेक्रेटरी से मिले, तो उन्होंने हमें शायद साहब की याद जरूर दिलाई। तमाम मेंबर्स, मेरे साथी मुख्तार साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। 2001 शायद रहा होगा, मैं भी सर मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, कि 2001 में इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बन रहा था जब मैं पहली बार जफर साहब के साथ मैंने विजिट किया, तो मसूद साहब ने एक वाइट सफारी सूट और वाइट शूज़ पहने हुए थे, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, नेगोशिएशन कर रहे थे कि ट्रक कुछ ईंटों के चाहिए थे, तो किसी दोस्त से बातचीत चल रही थी कि अभी दो ट्रक से बात नहीं चलेगी, पांच मुझे चाहिए यहाँ भेजने के लिए, पर्सनल एफर्ट्स पे जैसे लोगों से ये रब्ता करते थे। उसके बाद आज मुझे मौका मिला है इनकी मौजूदगी में यहाँ हाजिर होने का। मैं कल इफ्तिखार साहब से बात कर रहा था कि जब
बहुत एडवांस्ड कंट्रीज में, ऐसे डेवलप ममालिक में हम जाते हैं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी आप देखें या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ जॉर्जिया या यूनिवर्सिटीज आप यूके में देखें, उनके उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग प्रमाइसिस या लैंड है, वो इससे कई गुना शायद कम होती है। और कल ही मैं इफ्तिखार साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट किया है, जिसको शायद फंक्शनल रखना और जिसको अगले स्टेप पे ले जाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है, और जिसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है इनकी उम्मीदों पर खड़े उतरने के लिए, और जो कम्युनिटी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है इस ट्रस्ट को लेकर। एज सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स मैं सिर्फ दो तीन बातें कहूँगा। हाल ही में एक जैसे सर्वे की इन्होंने बात की, तो हमने डिफरेंट कंट्रीज है, 15 ममालिक के लोग, गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए अभी अल्बानिया में, उन्होंने हमें भी दावत दी जो हमारा सर्वे है उसके बेसिस पे। तो वहाँ दो दिन की एक वर्कशॉप थी, मैंने देखा जितने भी कंट्रीज हैं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, हर जगह लोग माइग्रेट करते हैं बहुत कम तादाद में, अगर कहीं 10,000-15,000 लोग भी माइग्रेट करते हैं, तो पूरे जो ममालिक हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांस में जब लोग अपने मवेशियों के साथ गुजरते हैं माइग्रेशन के लिए, तो पूरा शहर बंद रहता है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ हमने कमियां भी देखेंगे, जैसे उनकी रिसर्च जो है, डेटाबेस है, आप देखेंगे पिछले 200 साल 300 साल में कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, क्या ट्रांजिशन, क्या चेंजेस हुई हैं, तो वो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर जावेद राही साहब हैं यहाँ पे, काफ़ी इन्होंने अच्छा इस पर काम किया है, कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मामूली सा काम है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसको लेके हमारा फोकस है कि अगले 6 महीने का हम टारगेट लेके चलें गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑल इंडिया लेवल पे रिकग्नाइज करने का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अभी लगभग 40 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें तमाम इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हैं। तो मैं जो शुरू में इशारा कर रहा था कि जितना यूनिवर्सिटीज़ के पास और डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैन पावर होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। कल ही अराउंड हमने 30 डिफरेंट फेलोज़ को रिक्रूट करने के लिए एक नोटिफिकेशन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाली है, और एक MOU के तहत इन लोगों को डिप्यूट किया जाएगा GBCET में डिफरेंट रिसर्च और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने के लिए। अभी यूनिवर्सिटी की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, तो ये टारगेट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास दिखाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वो सारा काम होगा लिटरेरी लेवल पे, रिसर्च और डेवलपमेंट लेवल पे। वो मेरा कमिटमेंट रहेगा यहाँ को लेकर, और बहुत सारे ऑलरेडी जो वादे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, उनको दिन ऐसा नहीं जाता जब इफ्तिखार साहब मेरे पास दिल को नहीं बैठते, या चौहान साहब या चेयरमैन साहब फ़ोन नहीं करते हैं, या हमिद साहब की तरफ से एक मैसेज नहीं आ जाता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो भी बताया जाएगा। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम की जहाँ सुचौरी साहब ने जिक्र किया, तो काफ़ी इन्होंने वहाँ पे पूछा हमसे कि प्रोजेक्ट्स, बाकी सारी चीज़ें कहाँ पे पहुँची हैं। जहाँ तक सर्वे का ताल्लुक है, एक कैलेंडर का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक छोटी सी चीज़ है कैलेंडर, आप 6 पन्नों का आप छापते हैं 12 महीने के लिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बिल्डिंग से बढ़ के ये कैलेंडर है कि ये बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे लाता है। पिछले 30 साल की मेहनत उन 6 पेजेस पे आती है, दर्जनों की तादाद में जो डिग्निटरीज जिनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस इंस्टीट्यूशन के साथ है वो इस पे आते हैं, और सिर्फ आज तक के एफर्ट्स नहीं, आने वाले 50 साल के लिए हमारा विजन क्या है वो इन कैलेंडर के 6 पन्नों पर आपको दिखता है। इंटेंजिबल हेरिटेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जिसको हम सामने नहीं लाते हैं। GDCET के साथ मिलके हमारी कोशिश रहेगी उस पर काम करने की। सर्वे का जो इन्होंने टच किया, लगभग 6.5 लाख के करीब लोग हमारे माइग्रेट करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग माइग्रेट करते हैं 6.5 लाख से ज़्यादा। जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस की बात की, तो हाईएस्ट किसी कंट्री में 10,000 से 15,000 के बीच लोग माइग्रेट करते हैं। तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमने टेकअप किया इसको एक प्रोटेक्टेड फिनोमेनन डिक्लेयर करने के लिए, और हमारा जो कल्चर है वो UN तक ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि GDCET के पास एक बहुत मेजर रोल प्ले करने के लिए इसमें रहेगा। जैसे इन्होंने जिक्र किया अभी के साउथ एशिया में जहाँ भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या जो लोकल इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर करते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे यंग स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, और खास करके कम्युनिटी के लिए रहेगी। मैं इस पर कंक्लूड करूँगा इस कमिटमेंट के साथ कि GDCET की तरफ से जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स पहले हैं, जो भी पेशकश पहले है, उस पर डेफिनेटली हम काम करके उसको पाए तकमील तक ले जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी जो चीज़ें नहीं करने की हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, खास करके मैंने कहा कि हर एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए,
आज जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसका रोल डेवलपमेंट का नहीं है। एक मैं हर बार कहता हूं कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का काम कहीं बिजली पानी सड़क ले जाना नहीं है। ट्राइबल डिपार्टमेंट एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रोल ये है देखना कि क्या हर एक डिपार्टमेंट ट्राइबल कम्युनिटी का उसके प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके राइट्स जो है वो सेफगार्डेड है। बिजली पानी सड़क स्कॉलरशिप या जो भी चीज़ें हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, क्या ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोपोर्शनेट उसको वो बजटिंग की जा रही है। जहाँ कहीं गैप है वहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट देता है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी जस्ट अनदर डिपार्टमेंट हो गया कि अगर कहीं मैं भी हैंडपम्प दे रहा हूँ, सेक्रेटरी पीएचई भी दे रहे हैं, पावर सेक्रेटरी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, हम भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल बनाएगा, हम भी स्कूल बनाएंगे, वो काम ट्राइबल डिपार्टमेंट का था ही नहीं। उसको खैर डिसअपॉइंट ना करते हुए वो काम कंटिन्यू करते हुए हमने जो हमारा स्टेचुटरी रोल है वो लिया है। जैसे इस साल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमने ऑफिशियली टेकअप किया कि अपना बजट एयरमार्क किया जाए और सर्वे जो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट स्कीम के तहत हुआ, जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं वो उनको बताया गया कि यहाँ पे आप बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, और पहली बार ट्राइबल सब प्लान सभी डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जितना रिसर्च का इम्पोर्टेंस है, डेटाबेस का इम्पोर्टेंस है, वो किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं हो सकता है कि जब हमारे स्कॉलर उस पर काम करें वो गैप्स बताए जाएं कि किन जगहों पर हमारा, जैसे स्कूल में ड्रॉपआउट रेट की हम बात करते हैं, स्कॉलरशिप में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने एनरोल्ड हैं, कितनों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हुई, उसमें कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने को राइट्स मिला है, तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसमें जीडीसीटी का मैं बहुत बड़ा रोल देखता हूँ। मैं इसी को कंक्लूड करते हुए मैं कमिटमेंट करूँगा यहाँ की पूरी टीम के साथ, हमारे फाउंडर डॉक्टर मसूद चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन साहब, तमाम टीम और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं कि हमारे जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको हम कल्मिनेशन तक ले जाएंगे और इसके साथ एक बड़ी पार्टनरशिप जो है उस पर हमें शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।